वेलकम बैक स्पोर्ट्स प्लेसेस क्रिकेट लाउंज, और हम हाजिर हैं आपके साथ लेकर पोस्ट मैच एनालिसिस क्वेश्चन आंसर सेगमेंट। लेकिन पहले एक छोटा सा रिएक्शन उनसे जो है दिल्ली कैपिटल्स के डाईहार्ड फैन। प्लीज वेलकम वली सिद्दीकी। थैंक यू सर। सर डाई हार्ड आपने बोला, ये अभी डाई होने वाले थे थोड़ी टाइम पहले। इट्स वेरी हार्ड टू लिव सर, डाई हार्ड हो इतना डाई हार्ड, मुझे लगता है डाई करना ज्यादा आसान हो गया। दैट्स व्हाई डाई हार्ड, दैट्स व्हाई डाई हार्ड। लेकिन धर्मेंद्र जी अभी देखिए, जब मैं मालूम था 3 ओवर में 21 रन चाहिए थे, वहां पे सिमिलर सिचुएशन थी। साहिल मेरे साथ कॉमेंट्री कर रहा था सेम, जैसे आप मुझे यहाँ पे काम डाउन करते, अरे जीत गए दिल्ली, जीत गई दिल्ली, जीत गई। मैंने बोला नहीं जीती। और आपने देखा एंड में 4 बोले में 4, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने पारी खेली। फाइनली एक सेंसिबल नॉक एक बैट्समैन की तरफ से जो एंड तक रुके रहा। एक कैप्टन इनिंग्स 58 from 49 डिलीवरीज, और ब्रेन फेड मोमेंट हुआ था पंत, इंग्रम और अक्षर के बीच। लेकिन इंग्रम को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, बहुत बेहतरीन डिलीवरी थी वो जो यॉर्कर थी, बहुत बेहतरीन। लेकिन ऋषभ पंत क्या पूछूं मैं इनके, मतलब क्या इनके बारे में क्या बोलना चाहिए सर? समझ नहीं आ रहा। एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, थैंक गॉड कि वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, बस। चलिए कोई बात नहीं, ये था रिएक्शन वली सिद्दीकी का। और जैसे कि हमने बात आपसे कर रहे थे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, उससे हम डिस्कस करेंगे आपके पोस्ट मैच एनालिसिस में, तो एक्सपर्ट्स हमारे पास तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन जनाब जो मेरे को पूछा गया था वो था अरशद अली साहब का। उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप की टीम में 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज होने चाहिए, अभी 3 है, चौथा गेंदबाज लिया जाना चाहिए या नहीं। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद वली, देन आई विल कम टू आयुष। चौथा गेंदबाज शायद इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपके पास पहले से ही 3 पेसर्स जो है वो है जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, और जो चौथा पेसर है आपका, आप उन 2 को ऐड करके 1 कर सकते हो। विजय शंकर और हार्दिक पांडे को अगर आप साथ में खिलाओगे तो 5-5 ओवर या तो आप उनसे करवा सकते हो, 7-3 ओवर आप करवा सकते हो। हार्दिक पांडे मुझे लगता है वो चौथा पेसर बनेंगे, उसके लिए उनके पास स्पेस है, इंग्लैंड के विकेट में असिस्टेंस मिलेगी, बस थोड़ी सी वेरिएशन उनको अपनी चेक पे रखने और वेवर्ड बॉलिंग कम करनी है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक चौथा पेसर के काम वो आएंगे हार्दिक पांडे। फिर उसके पास दो आपके पास गेंदबाज है, आयुष आपके पास विजय शंकर है और हार्दिक पांडे, तो दोनों मिलकर 5-5 में एक एक चौथे गेंदबाज का कोटा पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं। एक आप एक ऐसे टाइम में जा रहे हैं इंग्लैंड जहां पे बॉल जो है वो मूव करेगा, और ऐसे जो डिबली डॉबली बॉलर्स है ना आपके विजय शंकर या हार्दिक पांड्या, वो वहां पे काफी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन रिजर्व में भी हमारे पास दीपक चहर और नवदीप सैनी हैं, तो अगर कल को खुदा ना खास्ता किसी बॉलर को यहाँ पे इंजरी हो जाती है तो आपके पास नवदीप सैनी और दीपक चहर जैसे बैठे हुए पेसर्स। ग्रेट, आई थिंक अरशद अली साहब आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। और एक बांग्लादेशी फैन साहब, उन्होंने बहुत यार रिक्वेस्ट करके मेरे को बोला था कि क्वेश्चन पूछें, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश से क्यों आईपीएल में प्लेयर नहीं लिए जाते जेंटलमैन? अभी तक पिछले 2-3 जो सेशन है उसमें हमने एक भी प्लेयर आईपीएल में बांग्लादेश का नहीं देखा। मोहम्मद अशरफुल मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, उसके बाद से मुझे शायद कोई भी प्लेयर याद नहीं पड़ता। मुश्ताक रहीम थे के लिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रेड कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान भी थे तो उन्होंने ट्रेड ऑफ कर दिया था क्विंटन डिकॉक के लिए। शाकिबुल हसन अभी भी हैं सनराइजर्स हैदराबाद के पास, लेकिन उनको गेम्स नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब अगर मैं बोलूं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो चले जाएंगे वर्ल्ड कप कैंप्स के लिए। तो अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं खेल रहे अब, वो लोग देखेंगे कि वर्ल्ड कप में उनकी स्थिति क्या है। चलिए खालदी साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का मैं समझता हूँ जो लिया गया है। इसमें से विशाल वर्मा साहब ने पूछा है कि अगर धोनी इंजर्ड हो जाते हैं उस केस में विराट कोहली बहुत अच्छी कप्तानी कर नहीं रहे हैं, तो वर्ल्ड कप जैसे प्रतिस्पर्धा में क्या रोहित शर्मा को अगला कप्तान बनाया जा सकता है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो? नहीं, ये पॉइंटलेस क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, कुछ भी कहे आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। अगर धोनी, वो विराट कोहली पहले से ही कैप्टन है, अगर धोनी हट गए तो विराट कोहली बोलेंगे ठीक है आप रोहित शर्मा अब आप कैप्टन बन लिए, ये लॉजिकल था। विराट कोहली बहुत अच्छे कैप्टन है, और अच्छे कैप्टन तभी होता है जब आपके पास एक अच्छी टीम है। आपने देखा भी है सनराइज हैदराबाद में भुवनेश्वर कुमार ने 2 मैचेस कैप्टनसी की थी शुरू में, दोनों मैचेस में बेस्ट ओवर वॉर्नर ने 100 रन की साझेदारी की थी और मैच जीत गई। उसका मतलब आपका ये है कि भुवनेश्वर कुमार को भी कैप्टन बना दीजिए? जी नहीं, रोहित शर्मा के पास एक अच्छी टीम है मुंबई इंडियंस में, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी मैं मानता हूँ बॉलिंग ऑर्डर जो है उनका अच्छा है रोटेशन, लेकिन विराट कोहली भी उतने ही अच्छे, जिस तरीके से वो टीम को लीड करते बाय एग्जांपल, अपने परफॉर्मेंसेस से इंस्पायर करते और एग्रेशन से जिस तरीके से दूसरे पे, अब ऐसा लगता है कि इंडियन टीम जो है वो पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीम हो गई है जो दूसरों के नर्व्स में जाती है, दूसरों को उकसाती है। तो विराट कोहली बहुत अच्छे कैप्टन है, और अगर धोनी इंजरी भी होंगे जो कि मिनिमम चांसेस है तो विराट कोहली ऑब्वियसली तभी मुझे लगता है। चलिए आई थिंक वर्मा जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन की, क्या रविंद्र जडेजा की 15 में टॉप 15 में जगह बनती है? नहीं आयुष, आई विल स्टार्ट विद यू। आई थिंक उनकी जगह जो है वो बिल्कुल बनती है। जब वो इंग्लैंड में खेलने गए थे टेस्ट सीरीज, उन्होंने
आते ही अपना जो इम्पैक्ट था वो दिखाया था, चार विकेट्स लिए थे दोनों इनिंग्स में, तो वहां की कंडीशंस को समझते हैं, वहां देखते हैं कि बॉल कहां स्पिन हो रहा है, कहां पे उनको स्पिन मिल सकता है और कहां पे उनको अपने जो स्ट्रेटर वंस हैं या फास्टर वंस हैं वो डालनी है। तो रविंद्र जडेजा आपको एक बॉलिंग ऑप्शन जो है ना स्पिनिंग में वो ज्यादा दे देंगे, तो अगर आपके पास कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल है, आपके पास एक तीसरा स्पिनर जो है रविंद्र जडेजा के रूप में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड में खेले हुए, उनको पता है कि आपको कहां बॉलिंग करानी है और कहां नहीं करानी है। बिल्कुल डेफिनेटली। और आपके पास कुछ है या फिर मैं अंतिम सवाल लूं आज का क्वेश्चन? एक और एक क्वेश्चन मैं यहां से भी ले लेता हूं। शिव नेपाल पूछे कि संदीप लेमिचर ने डीसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आपने आज देख लिया है कितने इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज नहीं होते तो क्रिस गेल आपको पता है कि क्या हालत कर सकते थे और ये जो टारगेट होता शायद 190 या 200 का हो सकता था। बिल्कुल, इसी में मैं एक क्वेश्चन जोड़ देता हूं जो कि संदीप लेमिचर से ही मिलता जुलता है और ये पूछा है निकट नेपाल, ये कोई चैनल है या पर्टिकुलर नेम है? चलिए ये पूछे कि संदीप लेमिचर से पावर प्ले में गेंदबाजी कराई जानी चाहिए नहीं, क्योंकि आज मार पड़ गई थी गेल साहब थे, उन्होंने छक्के छक्के मारे थे, तो आई थिंक इस सवाल का जवाब मैं दे दूं। बिल्कुल 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 यार, देखो पावर प्ले में गेंदबाजी बिल्कुल कराई जानी चाहिए, छक्के पड़ गए इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे गेंदबाजी कराना आप बंद कर दें। चैंपियन गेंदबाज हैं और ये रिस्क तो होते ही कि या तो ऑन या तो ऑफ, उनके सामने गेल खेल रहे थे, उनका अंदाज ये खेलने कैसा, लेकिन उन्होंने 3 बेशकीमती विकेट निकाले और 40 रन जरूर गए, लेकिन पावर प्ले में उनको गेंदबाजी दी जानी चाहिए। आई विल गो विद यस। आयुष से पूछ लेते हैं यस और नो। बिल्कुल, यहाँ पे इतने चैंपियन बॉलर है, देखिए उन्होंने छक्का खाया लेकिन फिर भी उनको फ्लाइटी डिलीवरी दी और वो छक्का जा सकता था, लेकिन आप जिगर देखिए आप उस आदमी का कि एक बॉल पे छक्का खाया लेकिन फिर से फ्लाइटेड बॉल दे रहा है, वो भी किसको? क्रिस गेल जैसे। और आयुष मैं सरप्राइज था कि अमित मिश्रा जिसने 150 विकेट अब आईपीएल में ले लिए वो नर्वसनेस में आ रहे थे क्रिस गेल की तरफ, सीम अप डिलीवरी डाल रहे थे, फास्टर वन डाल रहे थे, डिफेंस मैकेनिज्म में आ रहे थे कि मुझे मारे नहीं, और संदीप लेमिचर ने एक भी फ्लैट ओवर या फास्ट ओवर नहीं दी क्रिस गेल को 18 साल की उम्र के, और तब भी फ्लाइट करते रहे और रिस्क लेते रहे और आपको तभी विकेट मिलेंगे स्पिनर को अगर आप रिस्क लेंगे। और वहां पे कॉलिन इंग्रम ने क्या बेहतरीन कैच दिया अक्षर पटेल को, दिया है। लेकिन आप बताइए पिछले मैच में भी ये संदीप लेमिचर को 3 स्पिनर्स के साथ रख सकते थे मुंबई के खिलाफ, क्यों नहीं रखा? आप ही बताएं, आप ज्यादा डायरेक्ट में है, मुझे खुद समझ नहीं। आपने देखा दोनों स्पिनर्स आज खेले, अमित मिश्रा और संदीप लेमिचर ने, आप जीत गए मैच। अगर आप पहले भी दोनों को साथ में खिला सकते थे तो आप पक्का जीत सकते थे मैच, लेकिन फाइनली अब शायद आगे जाके इन दोनों को साथ में खिलाएंगे और अक्षर पटेल भी होंगे उस लाइनअप। चलिए थैंक यू सो मच जेंटलमैन, और ये था हमारा क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट, और आप लोगों से ऐसे ही रिक्वेस्ट की जो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे। कल के मैच पे बात कर लेते हैं जेंटलमैन, कल भी सुपर संडे है, 2 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स वर्सेज केकेआर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला, और उसके बाद खेला जाएगा आरसीबी वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स। तो एक मिनट में जल्दी जल्दी से आपसे पूछूंगा प्रेडिक्शन, फर्स्ट मैच एसआरएच वर्सेज केकेआर, हैदराबाद पहले मैच में मैं चुनूंगा हैदराबाद को, दूसरे मैच में मैं चुनूंगा आरसीबी को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरसीबी सीएसके को हराए। पहला मैच बहुत ही नीरस था, 70 या 71 आप ऐसे मैचेस देखने के लिए नहीं आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि चिन्ना स्वामी में तो एक बड़ा स्कोर बने, और चेन्नई को जो है मैं बोलना बहुत हार्श लगेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आरसीबी जो है वो कल का मैच जीते। वली ऑन यू क्विकली। ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि अब विराट कोहली सिंस फॉर्म में आ गए, मुझे लगता है कि जब वो फॉर्म में आते हैं उनकी टीम भी फॉर्म में आती है, तो मुझे लगता है शायद आरसीबी कल कुछ ना कुछ कर पाएगी स्पेशली अपने क्राउड के सामने। केकेआर व्हाट डू यू थिंक? कोलकाता हैदराबाद की अगर बात करें, कोलकाता बहुत ही बुरे रन से जा रही है, और अगर उन्होंने वो 2 विकेट ले लिए जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे वार्नर बेस्ट हो तो वो जीत सकती है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी और कुलदीप यादव भी बहुत प्रेशर में, तो शायद मुझे लगता है कल हैदराबाद जीत सकती है फिर से। चलिए ये थी एक्सपर्ट्स की राय, और मैं समझता हूँ कि टाइम हो गया है चलने का, 12 बज गए हैं और हमें भी सोना है, आप भी सोएंगे, कल डबल हेडर है, कल संडे आराम से सुकी उठेगा, और 3:30 बजे हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे लॉन्च में, हमारे साथ आयुष भी होंगे, सौरभ भी होंगे और होंगे वली सिद्दीकी भी। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं अब थोड़ा सा विराम, नहीं बहुत सारा विराम, कल मिलेंगे आपको 3:30 बजे 2 धमाकेदार मैचों के साथ, तब तक गुड नाइट, शबा खैर, गुड नाइट।